देखिए इस संरचना को ध्यान से देखिए कि आपको इसमें कुछ विशेष देखने को मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये तो अचंभित कर दिया है कि इतना खूबसूरत आखिर है क्या, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या। देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना जो दिखाई दे रहा है, इतने पास से कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा फ्रेश आ जाए पास से करने के बाद। पास से करने के बाद कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बगल साइड में एक छोटा सा जंगल है और इस छोटे से जंगल में हम लोग घूमने फिरने के लिए आए हैं। देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। देखिए ध्यान से देखें तो इस पेड़ को क्या बता सकते हैं कौन सा पेड़ है, हमको तो नहीं आइडिया लग रहा है कि कौन सा पेड़ है। कुछ गाँव का बच्चा था इधर तो भाग के उधर चला गया ऐसा ना। देखिए ध्यान से इसमें कितने सुंदर सुंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितने सुंदर इसका फूल दिख रहा है, या फूल या पता नहीं कि इसका फर तो फल है कि फूल है। या जंगल के पेड़ के फूल कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। कुछ और देखिए इरा जंगल का दृश्य, कुछ इस तरह से हम लोग जंगल घूमने आए हैं गांव में। एक गांव के ठीक जस्ट बगल साइड का है ना, गांव के जस्ट बगल साइड में एक छोटा सा जंगल है। बड़ा जंगल इसको नहीं कहेंगे क्योंकि छोटा सा है, बीच में एक नदी है। ठीक है हम लोग थोड़ा नदी उदी घूम लें। एक इधर एक आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा और को खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कब जब ये पक जाएगा तब तो, अभी ये काचा काचा है, अभी तो ये नया नया बन रहा है। और ऐसा भी होता है कि जब पक जाता है तो इसमें सांपों का ढेर रहता है। इसके देखिए ये जो फर दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से आपको फर दिखाई दे रहा होगा, और इस फर में जो है बहुत सारे सांप होते हैं। और एक ऐसा पेड़ है, देखिए ध्यान से, एक ये ऐसा पेड़ है, एक ऐसा ही एक पेड़ का फर जो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं। देखिए ये जो पौधा है इसको गांव में खुरहुर के नाम से जाना है ना। और देखिए ये क्या होता है कि जड़ में ये फरता है, इसका जड़ जो है लटका हुआ रहता है और उसी जड़ में इसका फर होता है। देखिए कितना छोटा छोटा अभी ये बन रहा है, जब सावन भादों का जब समय आएगा उस समय ये पकेगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने के बाद, तो एकदम समझ जाइए कि फिर ऐसा आनंद कभी आता नहीं है। बच बचा के इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सांप मिलते हैं है ना, खतरनाक खतरनाक वाला। तो आप इस तरह से देख सकते हैं ये जो है छोटा सा एक जंगल का नज़ारा।